नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, आपको बता दूं कि पुलवामा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक पीडीपी के पंच थे जिनके घर के बाहर जो है ग्रेनेड दागा गया। तो आइए सबसे पहले पुलवामा की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर हमारे संवाददाता शेख कोशर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शेख, आपसे जानना चाहूंगी पूरी जानकारी, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें कश्मीर घाटी की, लगातार जो है पंच और सरपंच और लगातार आतंकियों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जी जसलीन, मैं आपको बता दूं कि ये दिवस काल में 8 बजे के करीब मिलिटेंट टोल ने भूपिंदर सिंह, जो कि पीडीपी का पंच है, उसके घर पे ग्रेनेड हमला किया, जिसके नतीजे में कुछ खिड़कियों के साथ साथ दरवाजों का नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भूपिंदर सिंह और उसकी फैमिली पहले से ही श्रीनगर में उनको महफूज रखा गया, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और पिछले महीने में अगर हम देखेंगे इतने सारे पंचों और सरपंचों पर अटैक हुए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनको पहले ही रखा गया था सेफ जगह श्रीनगर में। जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि शेख अगर बात करें जिस तरह आपने भी कहा, लगातार जो है आतंकियों द्वारा जो है, चाहे वो पंच हो चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना, लगातार उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर वही हम बात करें तो उनके कहीं ना कहीं मानसिकता पर कितना असर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके बावजूद आतंकियों के हौसले जो है कहीं ना कहीं अभी भी बुलंद नजर आ रहे हैं। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने से तकरीबन पांच सरपंच है जिनके ऊपर हमला किया गया, तो उसके बाद जितने भी पांच और सरपंच है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो ये खौफजदा हो गए। और आज भी यहाँ पे देवरत्राल में एक हमला हुआ, जिसमें भूपिंदर सिंह, जो कि पीडीपी का पंच है, उसके घर पे हमला हुआ। उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस एरिया को पूरे मार्च में लेकर हालात का जायजा लिया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस महीने में तकरीबन पांच सरपंच जो कि मारा जा चुके हैं, और इसके साथ साथ कुछ पांच और सरपंच ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले महीनों से वो बार बार रिजाइन दे रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा खौफ ज्यादा हो गया है। जी मैम, बिल्कुल शेख, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी हमारे व्यूज तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता शेख कोशर हमारे साथ फोन लाइन पर थे, और जिस तरह उन्होंने भी बताया कि जो है कि ग्रेनेड जो है दागा गया था भूपिंदर सिंह, जो कि पीडीपी के पंच बताए जा रहे हैं, पर हालांकि उनका पूरा परिवार और वो ऑलरेडी जो है पूरे सुरक्षित है, क्योंकि 15 अगस्त को देखते हुए ऑलरेडी जो है उन्हें एक सुरक्षित जगह पर जो है रखा गया था। और जो हमारी जानकारी दी है, तो अभी की बड़ी खबर जो सामने आ रही थी कि पुलवामा के त्राल में जो है भूपिंदर सिंह, जो पीडीपी के पंच थे, आतंकियों द्वारा जो है उनके घर के बाहर एक ग्रेनेड दागा गया, पर यहाँ पर आतंकियों की इस नापाक हरकत को जो है सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। और भूपिंदर सिंह जी जो अपने परिवार के साथ, उन्हें ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं 15 अगस्त को देखते हुए उन्हें ऑलरेडी एक सेफ जगह पर रखा गया था। और जिस तरह से आतंकी लगातार जो हैं कश्मीर घाटी की बात करें, चाहे पंच हो चाहे सरपंचज हो, लगातार उन्हें निशाना बनाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भी बात करें तो लगातार बहुत सारे ऐसे पंच सरपंचों के इस्तीफे भी जो हैं साफ तौर पर सामने देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कश्मीर घाटी की बात करें, इस वक्त एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि आतंकवादी लगातार जो है उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सरपंचज ने उनके उन इंसिडेंट्स के बाद जो है रेजिग्नेशन भी की लगातार जो है सामने आ रही। पर इस वक्त बड़ी खबर जो पुलवामा के त्राल से सामने आ रही थी, जहां पर पीडीपी के जो कि पंच है भूपिंदर सिंह, उनके घर के बाहर कुछ आतंकियों द्वारा जो है ग्रेनेड दागा गया, पर हालांकि इस पूरे वारदात में इस पूरे उसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते जो है सब कुछ यहाँ पर देखा गया, क्योंकि ऑलरेडी भूपिंदर सिंह को एक सेफ जगह पर जो है वहाँ पर सुरक्षित रखा गया था 15 अगस्त को देखते हुए। तो नाकामी जो है आतंकियों के हाथ इस वक्त यहाँ पर लगी है, और सुरक्षा बलों को कामयाबी यहाँ पर मिली है, पर लगातार आतंकी जो हैं कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में, चाहे वो पंच हो चाहे सरपंच हो, लगातार निशाना बनाने में लगे हुए हैं। पर फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।